आपको बता दें कि विराट कोहली के बिना ही इंदौर पहुंची है टीम इंडिया। तीसरे T20 के लिए तैयार होकर स्टेडियम में पहुंची थी और बता दें आपको मंगलवार को तीसरे T20 मुकाबले के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें MP के इंदौर पहुंच गई और मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई, जो मध्य प्रदेश को मिनी मुंबई कहा जाता है, इंदौर एक बार फिर T20 रोमांच, जो रोमांचक मैच होने वाला है उसका सरोवर होने वाला है। और आज पूरी तरह से मैच शुरू हो चुका है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। और बता दें ये जो खिलाफ ये जो सीरीज है ये आखिरी सीरीज होगी, आखिरी मुकाबला होकर स्टेडियम में खेला जा रहा है। और आपको बता दें कि सोमवार शाम को इंदौर पहुंची थी टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम। और आपको बता दें कि मैच के लिए पुख्ता इंतजाम भी स्टेडियम में किया गया है और मैच के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने सभी इंतजाम पूरे कर लिए थे। सोमवार को पूरे इंतजामों का रिहर्सल भी किया गया है। वही एयरपोर्ट से लेकर होटल और स्टेडियम तक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और इसके अलावा 800 प्राइवेट सुरक्षा गार्ड भी लगाए गए हैं। वहीं पर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी सुचारू इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें कि दर्शकों को स्टेडियम तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, नवरात्रि का त्यौहार भी चल रहा है और 28,000 दर्शकों की क्षमता है इस स्टेडियम में। करीब 28,000 दर्शकों को बैठने की व्यवस्था की गई है और मंगलवार को मुकाबले के लिए स्टेडियम के पूरी तरह से भरे रहने की संभावना है। और आपको बता दें कि होलकर स्टेडियम में ये तीसरा इंटरनेशनल T20 मैच खेला आज जा रहा है। इससे पहले यहाँ दोनों ही T20 मुकाबले भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था और इस मैदान पर पहला T20 मैच 22 दिसंबर 2017 को खेला गया था। और वही आपको बता दें कि इसमें टीम इंडिया ने श्रीलंका को 68 रन से पराजित भी किया था। 7 जनवरी 2020 को दूसरे मैच में भारतीय टीम 7 विकेट से जीती थी और सोमवार शाम को दोनों टीमें करीब 6 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंची और सीधे होटल के लिए रवाना भी हुई थी। दोनों ही टीमों को चार्टर्ड बस से होटल तक पहुंचाया गया था। टीम इंडिया विराट कोहली के बिना ही इस बार इंदौर पहुंची है। आपको बता दें कि प्लेइंग 11 में नजर नहीं आएंगे विराट कोहली। कोहली मंगलवार का मुकाबला नहीं खेलेंगे और अपने परिवार से मिलने के लिए वो मुंबई रवाना भी हुए थे। और आपको बता दें सलमान बचाने उतरेगा। अफ्रीका और भारत के बीच जो ये महामुकाबला हो रहा है, 2-0 की अजय बरत बना चुकी है टीम। ये मुकाबला जीतकर क्लीन चिप की कोशिश करेगी। वही दक्षिण अफ्रीका की टीम ये मैच जीत के अपना सम्मान बचाने की कोशिश करेगी।